Assalamualaikum everyone. Today we are discussing class 10th general mathematics definitions in Urdu. Urdu में अक्सर students को issue होता है कि हम mathematics क्योंकि जो books हमें हम बच्चों को provide कर रहे होते हैं mostly जो government sector में मिलती हैं क्योंकि आप free of cost होती हैं तो वो English में होती हैं तो बच्चों के लिए issue होता है कि हमें definition Urdu में करें क्योंकि mathematics according to me mathematics जो है वो Urdu English कुछ नहीं होता numbers से deal करते हैं तो वो definition में issue होता है that's why हम के student ने definition Urdu में याद करनी है तो वो हम कहाँ से याद करें कैसे याद करें तो वो आपको कुछ हर यूनिट की यूनिट वन से लेके यूनिट नाइन तक जितनी डेफिनेशंस उर्दू में हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं ताकि अगर आपके पास उर्दू की बुक नहीं भी है तो आप बहुत इजीली यहाँ से तैयार कर सकते हैं जी यूनिट वन की बात करें तो यूनिट वन में हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं उसमें ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला डेट इज ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर एंड ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ये अलजब्रा के हैं मोस्टली जो यूनिट्स हैं स्टार्टिंग वाले पहले चार यूनिट्स उनमें अलजब्रा ही है तो आपको लाजमन ये फार्मूले याद होने चाहिए ठीक है तो इसी वजह से जो डेफिनेशन वगैरह हैं या समरी है उसमें ये फार्मूलाज आ जाते हैं फॉर द लर्निंग के दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लाजमन आप याद करने चाहे उर्दू इंग्लिश है फार्मूला की तो कोई मसला नहीं है ठीक है ए प्लस बी अगर आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला लेना है टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो वो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल का स्केयर तो वो आता है टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल इसी तरीके से फोर ए बी का फॉर्मूला अगर आपने देखना है तो ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर होता है और अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं उनका स्केयर आपने खोलना है एंड बीन ए बी और सी तो उसमें क्या आएगा फर्स्ट का स्केयर सेकेंड का स्केयर थर्ड का स्केयर पर टू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस टू सेकेंड इंटू थर्ड एंड प्लस टू लास्ट इंटू फर्स्ट तो इस तरीके से ये फार्मूला बनता है क्यूब का भी जब होल क्यूब का आप लेंगे देखिए होल स्केयर का आपने लिया था टू ए बी के साथ आया था तो जाहिर सी बात है जब होल क्यूब का फॉर्मूला लेंगे तो वो थ्री ए बी के साथ आएगा अब अगर ए प्लस बी है तो जाहिर सी बात है थ्रू आउट क्या होगा प्लस होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी क्यूब और अगर ए माइनस बी होल क्यूब आप लेना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी क्यूब और अगर अलग अलग क्यूब आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वो कैसे खुलेगा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए और बी के दरमियान प्लस आएगा और वो जो ए बी वाली अंदर दरमियान में टर्म है उसके साथ आएगा माइनस विच मीन्स ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर सेम लाइक दैट अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो जो ए और बी है उन दोनों के दरमियान में माइनस आएगा और वो जो ए बी की प्रोडक्ट है उसके साथ आएगा प्लस तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों फार्मूलाज में अब आगे जो है वो मकादीर इस्म है उसकी डेफिनेशन है मकादीर इस्म एक गैर नातिक जुमला होता है जिसमें जुजरी अलामत पाई जाती है यानी रूट आपके पास जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं ये सर्ड या मकादीर इस्म खालिस मकादीर इस्म प्योर सर्ड क्या होता है जी ऐसी मकदार इस्म जिसमें एक नातिक जुज ज़रबी हो और दूसरा जो ज़रबी गैर नातिक हो क्योंकि अक्सर बच्चों को इंग्लिश में डेफिनेशन याद नहीं होती उन बच्चों के लिए हम उर्दू में कर रहे हैं कि तमाम यूनिट्स के उर्दू में डेफिनेशन कौन कौन सी हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो मखलूत मकदार इस्म क्या होता है जी ऐसी मकदार इस्म जिसमें एक के अलावा कोई नातिक जुज ज़रबी हो जबकि दूसरा जो ज़रबी गैर नातिक हो तो मखलूत मकदार इस्म कहलाता है मुशाबे मकदार इस्म जो कि सेम होंगे वो क्या है जिनका यकसा गैर नातिक जुज ज़रबी हो हम शक्ल यकसा मकदार इस्म कहलाता है गैर मुशाबे मकदार इस्म क्या ऐसी मकदार इस्म जिनमें गैर नातिक इज़ाए ज़रबी मुख्तलिफ हों उनको मुशाबे मकदार इस्म कहते हैं गैर मुशाबे मकदार इस्म कहते हैं ठीक है जी और नातिक साज जुजू ज़रबी क्या है जी जो ज़रबी दो ऐसी मकदार इस्म के जिनका हासिल ज़रब एक नातिक अदद हो तो दोनों एक दूसरे का नातिक साज जुज ज़रबी कहलाते हैं तो ये आपके पास आपकी डेफिनेशंस यूनिट वन से रिलेटेड जी यूनिट टू की बात करते हैं तो यूनिट टू में आपके पास जो डेफिनेशन है वो यक दर्जी कसी रकमी है ठीक है उसमें ऐसी कसी रकमी जिसका दर्जा एक होता है उसे एक दर्जी यानी यक दर्जी कसी रकमी कहते हैं दो दर्जी कसी रकमी में दो होगा उसका ऑर्डर सात दर्जी में तीन ऑर्डर होगा ठीक है और कुछ आपके पास टर्म्स हैं इस तरह की जिनकी तजी करनी आती है आपके पास ठीक है ये हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे डिटेल से फिर मसला बाकी है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि वो क्या होता है कि अगर पी ऑफ एक्स कसी रकमी जिसका दर्जा एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वन हो तो कसी रकमी एक्स माइनस ए से तकसीम किया जाता है जबकि ए कोई मुस्तकिल होता है तो बाकी पी ऑफ ए होगा मतलब इसमें आप ये करते हैं कि जो भी ए होता है ना एक्स माइनस ए इज़ इक्वल जीरो करते हैं एक्स की वैल्यू ए आ जाती है
और वो ए जो है जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ ए पुट करते हैं, उस तरीके से आपके पास आंसर आता है, उसको हम रिमाइंडर थ्योरम यानी मसला है बाकी कहते हैं। मसला है तज़ी क्या है कि अगर कसीर इतनी पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से तकसीम किया जाए तो पी ऑफ ए ज़ीरो आ जाए, तो एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का जो ज़रबी कहलाता है कि मतलब उसका वो पार्ट है जी। यूनिट थ्री की बात करें, यूनिट थ्री में दो ही डेफिनेशन हैं एच सी एफ और एल सी एम की। तो आदे आज़म क्या है जी, दो या दो ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आदे आज़म ज़्यादा ज़्यादा दर्जी का जुमला होता है, इन तमाम जुमलों का तकसीम करते हैं। देखिए वैसे आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन किए हुए हैं एल सी एम से रिलेटेड के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको आप एल सी एम लेते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो सेम नंबर्स हैं जो उन पर सेम डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं। और ज़ाफ़ेकल यानी एच सी एफ क्या है कि दो या दो अलजबरी जुमलों का ज़ाफ़ेकल कम से कम दर्जे का जुमला होता है जो इन तमाम जुमलों से बगैर बाकी बचा के पूरा पूरा तकसीम होता है, जो पूरा पूरा उस पर डिवाइड होता है वो हम ले लेते होते हैं। डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली डेफिनेशन आती है। तो आप देखिए यूनिट थ्री से रिलेटेड दो ही डेफिनेशन है, तो उनमें से लाजमन एक मॉर्निंग में आ जाएगी एक इवनिंग में आ जाएगी जी। यूनिट फोर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, इसमें खत्ती मसावात हैं, ऐसी मसावात यानी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लीनियर लीनियर क्वेश्चन इसकी सूरत में की जाए जबकि ए और बी जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं और एक्स एक वेरिएबल होता है मतगैर, और खत्ती मसावात इसको कहते हैं। ठीक है, खत्ती मसावात को सॉल्व कैसे करते हैं, इसी मसावात में जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसे दुरुस्त फिक्र बनाएं मसावात का हल कहलाती है। मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो एक्स की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई करे, डैट मींस दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। और मतलब कीमत क्या होती है कि अगर आप में कोई हकीकी अदद एक्स है उसके मतलब यानी इसको आप कहेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो साइडों पे ली हुई है इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, इसको इसका मतलब ही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में या तो एक्स जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तीन तरह की कोई भी चांस हो सकती हैं। खती गैर मसावात कौन सी है जी, जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन में कभी भी इक्वालिटी नहीं आती, या तो वो ग्रेटर होगा या लेस होगा या ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा या लेस दैन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन है उसको नॉन लीनियर इक्वेशन यानी गैर खती गैर मसावात कहते हैं। सिलासी खासियत क्या होती है जी, ये अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर एक्स वाई दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों तो उसमें या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा या एक्स इक्वल टू वाई होगा या एक्स लेस देन वाई होगा। ठीक है, और जो मतदद डियत खासियत है उसमें होता है कि अगर एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है तो इट शुड अंडरस्टैंड कि एक्स जो है वो जेड से भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स वाई जेड तीनों जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। जमाई खासियत क्या होती है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें यह है कि अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो उल्टा है फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो हम कहते हैं कि अगर हम कुछ सी दोनों में ऐड करते हैं तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर सी माइनस करते हैं तब भी उस इक्वेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सी ग्रेटर देन जीरो है। और ज़रबी खासियत में क्यों, क्योंकि वो ऐड हो रहा है ना, जब ज़रबी में होता है ना तो ज़रब आप कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत कंडीशन मैटर करती है कि अगर सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर तो इनइक्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सी लेस देन जीरो होगा तो इनइक्वालिटी पर फ़र्क पड़ेगा, वो ग्रेटर होगा, इनइक्वालिटी तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। तो ज़रबी खासियत पर डिस्कस कर लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसके लिए हमने लेट किया कि ए बी से बड़ा है तो ए सी जो है वो जीरो से बड़ा हो तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी होगा, लेकिन अगर सी लेस देन जीरो होगा तो इनइक्वालिटी मैंने अभी बताया चेंज रहेगी, वो क्या होगी, ए सी इज़ लेस देन बी सी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर सी लेस देन जीरो है नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस है तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाती है जी। यूनिट फाइव की बात करें तो यूनिट फाइव में हमारे पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जाती है, जो दो दर्जी मसावात इसमें एक वेरिएबल में कहता है कि एक मुतगैर में दो दर्जी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जिसको हम लिख सकते हैं ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ए जीरो होता जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लाजमन हम इसकी डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स वेरिएबल होता है और ए बी सी दोनों जो होते हैं वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके तीन तरीके हैं जी, वैसे तो यहाँ पर हमने दो तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन है, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर, और तीसरा फिर आपके पास आ जाता है फार्मूला, आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो ये तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। यूनिट सिक्स की बात करें तो यूनिट सिक्स में हमारे पास आ जाता है
मैट्रिसेस का यूनिट आ जाता है, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश में अक्सर बच्चों को याद नहीं रहती, डैट्स वाई हम उर्दू में ये सारी डेफिनेशंस हैं वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि बच्चों को इजी हो याद करना। तो सबसे पहले है जी कालिब की डेफिनेशन यानी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? दो ब्रैकेटों में जब कायदे के तहत अदाद की मुस्तकीली तरतीब कालिब कहलाती है, ठीक है। जब आप उसको दो ब्रैकेट्स जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, उनमें आप अगर नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं तो वो क्या कहलाती हैं जी? मुस्तकीली ही तरतीब का मतलब ये है कि अगर तीन नंबर ऊपर लिखे हैं तो तीन नीचे लिखेंगे और बस दो टू बाय थ्री का है। मुस्तकीली में होता ना कि लंबाई और चौड़ाई बराबर ना होना, तो उस वजह से हम तीन अगर कॉलम्स ले रहे हैं तो दो रोज ले रहे हैं, ठीक है। अभी कॉलम्स और रोज का कंसेप्ट आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका अगर हमने ऑर्डर देखना है मैट्रिसेस का तो वो कैसे देखते हैं? हम इस पर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है। जो तो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब कतारी कालिब आ गया, और कतारी कालिब क्या है कि कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कालबी कतारी कालिब कहलाता है। और कालमी कालिब क्या होता है? जिसमें एक ही कालम हो। मुरबी कालिब क्या होगा? जिसमें कालमों और कतारों की तादादें बराबर हों, ठीक है। और मुस्तकीली कालिब में दोनों की तादाद बराबर नहीं होती। सिफरी कालिब में तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब में ये होगा कि उसमें जो डायगनल है उस पर वन होगा और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कालम क्या है? किसी कालिब के कालमों और कतारों को आपस में बदलने से हासिल होने वाला जो कालिब होता है इसे कालबी कालिब कहते हैं, ठीक है जी। वो ट्रांसपोज आप कहते हैं ना, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। और मुतशाकिल कालिब क्या है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वही ए मैट्रिक्स आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? मुतशाकिल कालिब कहलाएगा। गैर मुतशाकिल मतलब हम शक्ल ना, और गैर मुतशाकिल क्या होता है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसकी एंट्रीज तो वही आती हैं लेकिन आपको साइन माइनस कॉमन लेना पड़े, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, तो उसको गैर मुतशाकिल कालिब कह रहे हैं, ठीक है। और कालिब का मक्ता कैसे निकालते हैं जी? डिटर्मिनेंट के वो हकीकी अदद जो एक मरब कालिब की कीमत हो, कालबी कालिब का मक्ता कहलाता है। मतलब हम डायगनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका मक्ता आ जाता है। नादिर कालिब क्या है जी? अगर किसी कालिब का मक्ता सिफर हो तो वो नादिर कालिब कहलाता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट उसका लेते हैं आप मैट्रिक्स का तो वो ज़ीरो आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे वो नादिर कालिब है। टू बाई टू मरतबा वाले मरबी कालिब का एडजॉइंट, अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ ए टू बाई टू का है क्योंकि अभी ये लोअर कंसेप्ट है, फर्स्ट ईयर में आपको जाकर टू बाई टू से बड़ा हम सिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मैट्रिक लेवल है, चाहे आप आर्ट्स का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं चाहे आप साइंस का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी है टू बाई टू के अलावा हम किसी का एडजॉइंट नहीं निकालते। एडजॉइंट निकालने का एक तरीका है कि इस कालिब के भीतरी अरकान को आपस में बदल कर, मतलब जो डायगनल की एंट्रीज होती हैं वो आपस में इंटरचेंज होती हैं, नॉन डायगनल के क्या होता है? साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। मुरबी कालिब का ज़रबी माकूस क्या होता है कि अगर आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है, ज़रबी माकूस, तो कोई कालिब बी जो है कालिब ए का ज़रबी माकूस होगा तो उसमें क्या होगा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो इट शुड बी आइडेंटिटी, ठीक है। या हम अगर बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ए इनवर्स आ जाता है। इस तरीके से भी फिर वो आगे मज़ीद एक्सरसाइज में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। यूनिट सेवन की बात करें तो उसमें सबसे पहले जाविया की डेफिनेशन एंगल की। जाविया दो ऐसी शोओं का यूनियन होता है जिसका नुकता आगाज़ मुश्तरक होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका सेम हो तो वो जाविया कहलाता है। कायमतुल जाविया ये होता है कि जिसकी मकदार 90 हो, ऐसा जाविया जिसकी वैल्यू 90 हो वो कायमतुल जाविया है, और अगर जाविया मुस्तकीम कहेंगे तो 180 उसकी वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। आधा जाविया का मतलब है जीरो से बड़ी और 90 से छोटी हो। मुनफरिजा जाविया होता है 90 से बड़ी और 180 से छोटी। अक्सी जाविया जो होता है 180 से बड़ी वैल्यू होती है और 360 से कम होती है। मसावी जावियों की मकदार हमेशा आपस में सेम होती है, उनको मसावी जाविये कहते हैं। मुतसिल्ला जाविये होते हैं वो दो ऐसे जाविये जिनका रास्त मुश्तरक और एक बाजू मुश्तरक हो, मतलब उनका ये दो चीज़ें अगर एक जैसी हों तो हम उसको कहेंगे मुतसिल्ला जाविये। कम्प्लीमेंट्री जाविये वो होते हैं जिनको ऐड करें तो 90 आंसर है। सप्लीमेंट्री जाविये वो होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करें तो वो 180 है, तो उनको सप्लीमेंट्री जाविये कहेंगे एंगल्स। रासी जाविये वो होते हैं जो दो मुतकाते खतूत से बनने वाले ऐसे दो ऐसे गैर मुतसिला जाविये जिनकी मकदार जाविये मुस्तकीम से कम होती है, जाविये मुस्तकीम यानी 180 से कम होती है, ठीक है, उनको रासी जाविये कहते हैं। अब कुछ नतज हैं जो उनकी वैल्यू ही आपके एम सी क्यूज़ में आ जाते हैं, जो 6 पॉइंट्स हैं वो उनको ज़रा एम सी क्यूज़ के लिए देख लें कि देखें ना, जो ट्राइंगल होती है ट्राइंगल के तमाम जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है, ये आपके एम सी क्यूज़ में पूछा जा सकता है।
अगर दो एंगल्स जो हैं वो मसावी जावियों से के कम्प्लीमेंट हों तो वो आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर दो जाविए दो मसावी जावियों के सप्लीमेंट हों तो आपस में भी मसावी होते हैं। दो खतूत कहते हैं तीसरे खत के मुतवाजी हों तो वो आपस में भी मुतवाजी होते हैं। ये सारे जो छः पॉइंट्स हैं आपके एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तीन मतवाजी खतूत किसी काते पर मसावी कतात करें तो हर खत काते पर मसावी कतात काटते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई खत मुसलस के एक ज़िले की तनसीफ करे और दूसरे ज़िले के मतवाजी हो तो वो तीसरे ज़िले के भी तनसीफ करेगा, ठीक है, उसको भी करेगा, मिडल से वो ब्रेक करेगा, ठीक है। काते खत क्या होता है? काते खत ऐसा खत होता है जो दो या दो से ज़्यादा खतूत को मुख्तलिफ नकात पर कता करता है। मुतमासिल अशकाल कौन सी होती हैं? दो हिंसी अशकाल मुतमासिल अशकाल कहते हैं अगर इनकी जिसामत यकसां और वो हम शक्ल हों, कि मतलब मुतमासिल क्या होता है कि उनकी शेप भी जैसी और साइज़ भी एक जैसा। और कसीरुल इजला क्या है जी? मुस्तवी पर एक ऐसी बांध शक्ल जो तीन या ज़्यादा इजला पर मुश्तमिल होती है। और मुतसावी साकैन मुसलस के वसी है जिसके दो इजला मुसावी होते हैं, आमने सामने वाले मुख्तलिफ इजला मुसलस में तीनों साइडें मुख्तलिफ होती हैं। और कामत वजावी मुसलस में तीनों साइडें मुख्तलिफ होती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है जी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। मुनफरिजा जाविया मुसलस क्या होती है? ऐसी मुसलस जिसमें एक मुनफरिजा जाविया 90 से बड़ा हो। हादसा जाविया मुसलस क्या होती है? जिसमें एक 90 से कम होता है। मुसावी इस्लाम सलस क्या होती है? ये मैं ऑलरेडी भी ट्राइंगल्स की डेफिनेशन डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। ऐसी मुसलस जिनके तीनों अजला लंबाई में मुसावी हों और उनको जो है वो मुसावी इस्लाम सलस कहते हैं। तमाम वैल्यूज़ तमाम साइडें तीनों के तीनों वैल्यूज़ जो तीनों के तीनों साइडें हैं वो बराबर होंगी। आगे क्या है जी? दो मुसलसान के मुतबासर होने की सूरत, इसमें ये है ना कि अगर तीनों साइड भी बराबर हो सकती हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर हो सकते हैं और एंगल साइड एंगल भी बराबर हो सकती है, साइड एंगल साइड भी बराबर हो सकती है, ठीक है। चकोर क्या होती है? चार अजला वाली बांध शक्ल को चकोर कहते हैं। मुतवाजिल अजला चकोर जिसके दो मुख्तलिफ अजला के जोड़े मुतवाजी होते हैं। और मुस्ततील क्या है? मुतवाजिल अजला जिसमें एक जाविया कामन कायमा होता है। मुरबा में तमाम वैल्यूज साइड सेम होती हैं लेकिन उसमें क्या हो के एक मुसावी अजला मुस्ततील मुरबा कहलाती है, ठीक है। मुतवाजिल अजला मुस्ततील का मतलब ये कि चारों साइडें उसकी बराबर हों जिस मुस्ततील की मुरबा कहलाती है। दायरा क्या है? नकात का एक ऐसा सेट जिनका एक मुइन नुक्ते से फासला बराबर हो, दायरा बनाता है। रदास क्या है जी? रडिये से इस कतः की लंबाई दायरे के मरकज़ को इसके किसी नुक्ते से मिलाए। कतर इस वितर की लंबाई जो दायरे के मरकज़ से गुजरे कतर कहलाता है, डायमीटर है ये। कॉस कोई भी आप कॉस जो लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या? दायरे का वो हिस्सा जिसके सिरे और दरमिया निकाह दायरे पर वाक़ हों, दायरे की कॉस कहलाती है। निस्फ दायरा क्या है जी? कॉस जो दायरे के निस्फ पर मुश्तमिल हो निस्फ दायरा कहलाती है। कॉस दायरा क्या है? जो निस दायरे से कम हो कौस कबीरा कहलाती है। और कौस कबीरा जो निस दायरे से बड़ी हो कौस कबीरा कहलाती है। मसावी दायरे के हैं ऐसे दायरे जिनके मसावी रदास हों या मसावी कितर हों, ठीक है। और काते खत क्या है जी? ऐसा खत है जो दायरे को दो मुख्तलिफ नकात पर कता करता है, वो काते खत कहलाता है। ममास ऐसा खत जो दायरे के रदास को इसके बैरूनी सिरे पर अमूद हो। सेक्टर सेक्टर यह है कि जी दायरे का वो इलाका जो दायरे की कौस और उसके सिरों के मिलाने वाली रदासी कतात के अंदर घिरा हुआ हो। हम मरकज़ दायरे क्या होते हैं? ऐसे हम मस्तवी दायरे जिनका मरकज़ मुश्तरक नुक्ता हो लेकिन इनके रदास मुख्तलिफ हों। मरकज़ी जाविया क्या है? जिस कतर किसी कौस वगैरह का मरकज़ पर बनने वाला जाविया मरकज़ी जाविया कहलाता है। और हम दायरे नकात क्या होते हैं जी? दायरे के मुहित पर वाक़ नकात को हम दायरे नकात कहते हैं। अब इसमें भी तीन तरह के पॉइंट्स हैं जिनको नतज कह रहे हैं, ये आपके एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिस दायरे का मैसूर जाविया कायमा होता है, दायरे के एक ही कितने में बनने वाले जाविये मसावी होते हैं और एक ही कौस में मैसूर जाविये मसावी होते हैं जी। इसमें जो यूनिट 8 के हैं डेफिनेशन, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी किसी मुसलस के बारे में, ये ट्रायंगल के बारे में सारा कुछ है। किसी मुसलस के ये यूनिट 8 जो ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। किसी मुसलस के जाविये का नासिफ वो खास होता है जो मुसलस के किसी जाविये की तनसीफ करे और उसका दूसरा सिरा मुखालिफ ज़िले का कुछ हुए। हर मुसलस के सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि हर मुसलस के तीन जाविये के नासिफ होते हैं और हर एक जाविये का एक नासिफ है। मुसलस के थर्ड पॉइंट है, मुसलस के इतफ़ा किसी रास से नास मुखालिफ ज़िले पर अमूद होता है। और द फोर्थ वन है, हर मुसलस के तीन इतफ़ा होते हैं और हर एक रास से एक। और पांचवा है, एक कतः खत जिसकी जो किसी मुसलस के एक ज़िले की तनसीफ करे और ज़िले के नुक्ते तनसीफ पर अमूद भी हो तो वो इस ज़िले का अमूदी नासिफ कहलाता है। अमूदी नासिफ की डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट वाली। किसी मुसलस के अमूदी नासिफ तीन होते हैं, हर एक ज़िले का एक, ठीक है, हर ज़िले का एक अमूदी नासिफ होता है।
सेवन पॉइंट है वो निकला जिस पर मुसलस के तीनों जावियों के नासिफ बाहम मिलते हों उसको मरकज़ मुसावत कहते हैं, ठीक है जी। और सेवन पॉइंट मरकज़ महसूर कहलाता है। मरकज़ अमूद जो है वो नुक्ता जिस पर मुसलस के तीनों इरतफा मिलते हैं उसको मरकज़ मुसलस का मरकज़ अमूद कहलाते हैं। और मुसलस का मरकज़ मौसर क्या कहलाता है जी, वो नुक्ता जिस पर मुसलस के अजला के तीनों अमूदी नासिफ मिलते हैं उन्हें मुसलस का मरकज़ मौसर कहलाते हैं। अगला है मरकज़ी नुक्ता, तो वो नुक्ता जिस पर मुसलस के तीनों वस्तानिये मिलते हैं मरकज़ मुसलस का मरकज़ी नुक्ता कहलाता है। और दायरे का मवास जी वो है दायरे के साथ हम मस्तवी ऐसा खर्च जो दायरे को सिर्फ नुक्ते पर काटता है दायरे का मवास कहलाता है जी। लास्ट जो है यूनिट नाइन उसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास के सेकंड एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट सेकंड पॉइंट पे से फर्स्ट पॉइंट माइनस करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। और सेकंड है जी मुनफरिद कहता है कि एक मस्तवी में किसी भी नुक्ते के लिए दात का मुतरतिब जोड़ा मुनफरिद होता है और नंबरों के हर मुतरतिब जोड़े को मस्तवी के सिर्फ एक ही नुक्ते से मुंतलिक किया जा सकता है। ये उस फार्मूले के कुछ पॉइंट्स हैं। हम खत नकात कौन से होते हैं, एक ही खत पर वाक़ नकात हम खत नकात कहलाते हैं। और गैर हम खत नकात कौन से होते हैं, जो ऐसे नकात जो एक ही खत पर वाक़ ना हों गैर हम खत नकात कहलाते हैं।